महिलाओं को इस दिन भूलकर भी नहीं धोना चाहिए बाल। जीवन में छा जाती है दरिद्रता, माँ लक्ष्मी हो सकती है रुष्ट। आशान को हम साधारण सा कार्य समझते हैं, इसलिए लोग किसी भी समय स्नान कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार स्नान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्नान करने के बाद रही शरीर की शुद्धि होती है, और जब तक शरीर शुद्धि नहीं हो तब कोई कार्य करना नहीं चाहिए। शास्त्रों में स्नान करने का नियम बताए गए हैं, और स्नान शास्त्रों को विधि से किया जाए तो हमें कई लाभ मिल सकते हैं। वही आपने देखा होगा कि कई स्त्रियाँ किसी भी दिन अपने बाल धो लेती हैं, जो कि गलत है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार स्नान करने का नियम और स्त्रियों को किस दिन अपने बाल नहीं धोनी चाहिए। सुहागिनों, महिलाओं को एकादशी, अमावस और पूर्णिमा के दिन अपने बाल नहीं धोने चाहिए। वही किसी भी त्यौहार पर बाल धोने चाहिए। इसीलिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने बाल धोने चाहिए। वही अगर आप महिला एकादशी, अमावस, पूर्णिमा के दिन बाल धोती हैं तो उनके जीवन में दरिद्रता छा सकती है, साथ ही माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा ऊंच या नीच अवस्था में होते हैं। महिलाएं सोमवार के दिन अपने बाल धो सकती हैं। वही मंगलवार के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके आर्थिक परेशानी हो सकती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। बुधवार के दिन सुहागिन स्त्रियों बाल धो सकती हैं। वही गुरुवार के दिन स्त्रियों सहित पुरुषों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास रहता है, साथ ही स्त्री अगर बाल धोती हैं तो उनके पति को उम्र कम हो सकती है। वही अगर किसी परिस्थिति वश अपने बाल धोने पड़े तो आपको बाल पर पीसी हुई हल्दी लगानी चाहिए। वही स्त्री शुक्रवार के दिन धो सकती हैं, साथ ही शनिवार के दिन स्त्री को बाल नहीं धोनी चाहिए। ऐसे करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। इसी के अलावा गुरुवार को नाखून काटना भी धन हानि का संकेत है, इससे घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालेश्वरम जरूर लिखिएगा।